डेली न्यूज की ट्रेवल सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में ऐसे कई रहस्य हैं, जिन्हें लेकर कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन इन सब में गुरु डोंगमल लेक की कहानी सबसे दिलचस्प है। सिक्किम के लाचेन में करीब 5,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील दुनिया की सबसे ऊंची झील में से एक है और अलौकिक खूबसूरती से घिरी हुई भी। इस झील को लेकर मान्यता है कि इसका एक छोटा सा हिस्सा कभी भी नहीं जमता और पानी के रूप में हमेशा बना रहता है। आपको बता दें कि इस झील को बौद्ध, सिख और हिंदुओं के लिए बेहद ही पवित्र माना गया है। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी जब तिब्बत जा रहे थे तो वो यहाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए रुके थे। यहाँ उन्होंने अपनी छड़ी से जमी हुई बर्फ पर छेद किया और पानी पीने की कोशिश की। इसके बाद से यहाँ झील बन गई। मान्यता है कि भीषण सर्दी, यहाँ तक कि तापमान जब -20 डिग्री तक पहुँच जाता है, फिर भी यहाँ का कुछ हिस्सा कभी नहीं जमता। पानी के नहीं जमने की एक और कहानी बौद्ध धर्म से भी जुड़ी हुई है। इसके अनुसार पहले इस क्षेत्र में सब कुछ भारी ठंड के कारण जमा हुआ रहता था। स्थानीय लोगों को ऐसा विश्वास है कि एक बौद्ध गुरु को जब पानी को लेकर लोगों की मुश्किलों का पता चला तो उन्होंने अपनी उंगली से इस जमी झील का स्थान छुआ। इसके बाद से ही झील के इस हिस्से में पानी कभी भी नहीं जमा। इस झील से जुड़ी कई और दिलचस्प मान्यताएं भी हैं, जिसके बारे में जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। इस झील के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ दैवीय शक्ति मौजूद है। जी हाँ, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ का पानी पीने से बच्चे पाने की कोशिश कर रही शादीशुदा महिलाओं की सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। इस झील से जुड़ी हुई एक खास बात ये भी है कि इस झील को ग्लेशियर से पानी मिलता है और यही तसो लहमू लेक का स्रोत भी है, जो आगे जाकर तिस्ता नदी का मुख्य स्रोत बन जाता है। धन्यवाद।